नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है, जहां पर आईसीयू में भर्ती राकेश मांजू के बेड तक एक संदिग्ध व्यक्ति पहुंचा है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही जोधपुर में राकेश मांजू पर गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें राकेश मांजू घायल हो गया था और उनका इलाज हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। मिली खबरों के अनुसार पुलिस ने उस व्यक्ति को भी धारा 151 के तहत हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जब वो हॉस्पिटल में एंट्री कर रहा था, उस वक्त गार्ड ने उन्हें रोका था और उसके बारे में पूछा था, तो उस व्यक्ति ने खुद को नर्सिंग स्टाफ बताया था। फिर अंदर जाकर खुद को राकेश मांजू का भाई बताने लग गया और वो राकेश मांजू के बेड तक भी जा पहुंचा। उसी वक्त राकेश मांजू के रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए और वहां खड़े व्यक्ति का विरोध किया, जिसके बाद में शास्त्री नगर थाना पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम मग सिंह है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर संविदा पर लगा हुआ है और नांदिया को नहीं जानता है। वहीं और इस मामले को लेकर पुलिस अपनी पूछताछ कर रही है।